नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया समन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के लगातार समन के विरोध में मंगलवार को झामुमो ने शहर के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से विशाल मशाल रैली निकाल प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष शाहराह अंसारी ने किया। रैली स्टेशन चौक, पटेल चौक, बाटा चौक, गांधी चौक, चौक बाजार, बड़ी धर्मशाला चौक, एसी रोड, बादशाह चौक, चौक पटेल चौक होते हुए वापस स्टेशन चौक पहुँचा। पटेल चौक पर झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने में लगी है। भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्यारा है। देश में जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकार नहीं, वहां ईडी, सीबीआई व एनआईए जैसी एजेंसियों को दमन के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाजपा अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर रही है। झामुमो इसका विरोध करेगी। बुधवार को साहिबगंज जिला में शांतिपूर्ण बंदी की जाएगी, रेल चक्का जाम किया जाएगा। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, और जनता के द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार जो बहुमत से चल रही है, उसको लगातार अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, और इसीलिए इस सरकार, केंद्र की सरकार को हम लोग लोकतंत्र का हत्यारा सरकार मानते हैं। क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है जिस राज्य में, वहां वहां ये अपना जो एजेंसी है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इन एजेंसियों को उसको दमन करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसका यही मकसद है, ताकि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और इसलिए लगता है कि लोकतंत्र भविष्य में खतरे की घंटी बज रही है, और ये सरकार हत्यारी सरकार है। बीजेपी जहां सरकार में है वहां कहां जाती है? जहां बीजेपी सरकार नहीं है वहां जाती है? आगे जेएमएम का क्या? कल तो शांतिपूर्ण बंदी हम लोग रखे हैं पूरे साहिबगंज जिला में, रेल बंदी, यातायात बंदी, सब बंदी करने की बात है।